लॉकडाउन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मार्ग द्वारा धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। उसमें अब तक 81,461 FIR दर्ज करते हुए 210,181 लोगों विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लगभग 59,934 वाहन सीज करते हुए 37,14,00,000 रुपया जमा करा लिया गया है। आगे कालाबाजारी ना हो 727 FIR दर्ज की गई हैं, 349 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 965 लोगों को नामजद किया गया है। 30 जून तक जो कुल मामले आए हैं फेक न्यूज़ के वो 1617 हैं, 1617। कल 20 मामले आए हैं जिसमें ट्विटर के 13 और फेसबुक के 7 मामले संज्ञान में आने के कारण साइबर सेल को उनका विवरण दिया गया है। प्रदेश में 2,733 हॉटस्पॉट हैं, 813 थानों के अंतर्गत 8,76,813 मकानों में 54,25,719 लोग चिन्हित किए गए हैं। इन हॉटस्पॉट्स के जोन को प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है जिससे इन हॉटस्पॉट्स के मैनेजमेंट से कोविड पर भली भांति नियंत्रण किया जा सके। प्रदेश में जो कल रोडवेज की जो बसेस चली हैं लगभग 7,000 बसेस रोडवेज की चली हैं, इनमें लगभग 7,14,000 लोग कल जो है चले हैं। रोडवेज के बसेस का पूरा जाल प्रदेश में इस तरह से चलाया जा रहा है जिससे कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी कठिनाई किसी तरह की ना हो। हम पुनः ये कहना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में कोविड के हेल्प डेस्क का एक जाल बिछाया गया है। हर जनपद में जगह जगह, हर जनपद में अस्पताल में, CHC में, PHC में, मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में दो दो कोविड